सो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम ओयो होटल जाने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे डर होंगे जिसके बारे में आप जानना चाहते होंगे, और ओयो होटल जाने के पहले आप चाहते होंगे कि वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। तो दोस्तों जी हाँ, आज की बिल्कुल सिर्फ आज की जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे जो भी डॉट्स आपके मन में रहते हैं, जो भी एक नया आदमी जो पहली बार ओयो जाना चाहता है, उसे ओयो के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसको इस वीडियो में बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि जितने भी डॉट्स है सारी डॉट्स पर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली वो डॉट्स क्या है पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो पहली डॉट होती है कि बुकिंग, जो होटल बुकिंग होती है वो कैसे करें, कहाँ से करें, रेट होता है कि नहीं, कपल्स अलाउ है कि नहीं, चेक इन चेकआउट का टाइम क्या है, क्या करना वहाँ पे अलाउ है क्या अलाउ नहीं है, हिडन कैमरा कैसे पता करें, अगर कोई शादीशुदा है और कोई सिंगल है तो वो लोग मिलके जा सकते हैं कि नहीं, फिर आपका अगर आप कपल जो है हिंदू मुस्लिम है तो उन लोगों को जाना चाहिए कि नहीं होटल, होटल में जाकर आप लॉर्ड में गाना सुन रहे हो, पार्टी कर रहे हो रूम के अंदर, तो वो अलाउ है कि नहीं, रिसेप्शन वगैरह पे किस तरह की बात होती है। तो सारी जो डॉट्स होती है, इन सारी डॉट्स पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहती है, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहूँ। हालांकि दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी बात बता दूं कि ओयो पर मैंने पहले से ही 15 से लेकर 20 वीडियोस बना रखे हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो चेक नहीं करा है तो एक बार जाके हमारा चैनल ओपन करें, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको ओयो का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आपके जितने भी डॉट्स हैं ना सारे के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस मैंने बना रखे हैं। फिर भी ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है सारे डॉट्स के ऊपर में। तो चलिए बात करते हैं पहले कि होटल कैसे बुक करें या फिर किस तरह का होटल बुक करें। दोस्तों सिंपल सी बात है कि होटल कैसे बुक करें इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो डिटेल्स में बना रखिए। गर्लफ्रेंड साथ में हो तो कैसे बुक करें, अगर आपको सिंगल जाना है तो कैसे बुक करें, तो अगर आपको कैसे होटल बुक करना है तो इसके लिए आप मेरा वो वीडियोस देख लें, वहाँ पे आपको प्रॉपर पूरी नॉलेज मिल जाएगी, जियो से लेके स्टार्ट तक, मतलब जियो से लेके पूरा चेकआउट तक आपको क्या करना है सब डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। और इस एक टिप्स आपको मैं ये देने जा रहा हूँ कि जब भी होटल बुक करें तो आप हमेशा एक अच्छी रेटिंग वाली होटल बुक करें, क्योंकि अच्छी रेटिंग वाली होटल जो होती है वही आपको अच्छा सर्विस देगा। हो सकता है आपको 200-300 रुपये ज़्यादा लगे, लगभग आपको 1000-1100-1200 का पड़े, लेकिन होटल अगर अच्छे लोगे तो आप लोगों को कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोग 300-400 का होटल बुक तो कर लेते हैं लेकिन बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो सबसे मेरा पहला सुझाव ये रहेगा, होटल हमेशा अच्छी रेटिंग वाली बुक करें और थोड़ी अच्छी जो क्वालिटी की रोटी होती है होटल, जैसे 800 की, 900 की, 1000 रुपये की, इस लेवल की होटल बुक करें तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ओयो होटल से रिगार्डिंग। सेकेंड चीज़ में बात करते हैं कि क्या होटल में, ओयो होटल में रेड होता है, पुलिस केस होता है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, ओयो होटल में पुलिस केस होता है और बहुत सारे ओयो होटल में पुलिस केस हो भी चुका है। लेकिन आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओयो होटल में जो रेड होता है वो क्यों होता है। तो दोस्तों बेसिकली मैंने अभी स्टार्टिंग में पहले बोल दिया आपको कि जब भी होटल बुक करें अच्छी रेटिंग वाले बुक करें, वो इसीलिए बताया, जितने भी रेट जो पुलिस की रेड वगैरह होती है ना हमेशा थर्ड क्लास होटल में होती है या फिर जैसे फाइव स्टार होती है, जो भी खराब गंदी रेटिंग की जो होटल होती है उसी में सिर्फ रेड पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी गंदी रेटिंग का मतलब क्या होता है, वहाँ का सर्विस स्टाफ लोग सही से सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, होटल अच्छी नहीं होती, तो जो होटल अच्छी नहीं होगी ऑब्वियस उसमें गलत काम होंगे। तो इस सब तरह के होटल में जो है रेड, पुलिस का रेड पड़ता है। जो अच्छी होटल होती है, जो लगभग 3.5 स्टार या फिर 4 स्टार या फिर 4.5 स्टार का होटल होता है, इन सब होटल में कभी भी रेटिंग नहीं पड़ती। आज तक शायद ही कोई ऐसा होटल होगा जो कि अच्छी रेटिंग वाला होगा, 4 एंड अबव रेटिंग का होटल होगा उसमें रेड पड़ा होगा। तो निश्चिंत रहिए, जब भी आप होटल बुक करिए, अच्छी रेटिंग का होटल बुक करिए, तो पुलिस का कोई चक्कर ही नहीं होगा। ठीक है, अगर फिर भी होटल में पुलिस आ जाता है, आप जिस होटल में स्टे कर रहे हो उसमें अगर पुलिस आ जाए, आप लोगों को आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रूम में हो, उस रूम के अंदर पुलिस आ जाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी आपको एक स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगी, मैंने बना रखी है, आप जाके वो भी एक बार चेक कर ले। थर्ड टॉपिक होता है दोस्तों कि क्या कपल्स को ओयो होटल में जाना अलाउ है कि नहीं। तो दोस्तों ये मैं खुद के मन से नहीं बोल रहा, आप लोग खुद के पास, आप सभी के पास में फोन है, नेट है, आप सर्च कर सकते हो। हाईकोर्ट ने ये आदेश दे चुका है कि 18 प्लस के कपल, लड़का हो चाहे लड़की, मैं बोल रहा हूँ 18th नहीं, जिसका होता है ना, कल मेरे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं 18th हो गया मैं चल जाऊँ, तो शायद जिनका 18th होता है उन लोगों को जाना अलाउ है, लेकिन ये नहीं कि आज का आपका 18th हो गया आप ही आज चल जाए, एक दो महीना वेट करें। 18th प्लस लिखा हुआ है, 18th प्लस मतलब ये नहीं कि जिस दिन आप 18th हो रहे हो, तो 18 जब आपका हो जाएगा कुछ दिन के बाद, अगर आप लड़का हो या लड़की हो दोनों का एज अगर 18th प्लस है तो वो लोग जा सकते हैं। ये बिल्कुल हाईकोर्ट ने बोल रखा है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप लड़के हो लड़की हो अगर आपका 18 प्लस है तभी जा सकते हो, ये बात रखिए। बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि भाई मैं 21 साल का हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड 16 साल की, मैं जा सकता हूँ कि नहीं, या फिर बोलते हैं कि मैं 17 साल का हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड 16 साल की है, वो अपनी बैंक का आईडी लेके, मैं अपना भाई का आईडी लेके चल जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भाई बाद में प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। ओयो सिर्फ कपल्स उन्हीं के लिए होता है जो कपल्स एडल्ट होते हैं, 18 प्लस होते हैं। तो अगर आपका एज अंडर एज है तो आप कभी भूल से ओयो बुक ना करें, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है। आप 2 मिनट के लिए या फिर 2 घंटे के मस्ती के लिए जाओगे और जिंदगी भर के लिए आपको सफर करना पड़े, तो मैं कल भी आपको ऐसा सुझाव नहीं दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें।
उसके बाद दोस्तों बात आती है कि होटल जब बुक करते हैं हम तो उसका चेक इन और चेकआउट करने का टाइम क्या है। बेसिकली बोल सकते हैं कि होटल में आप कब जा सकते हो और कब होटल से निकल सकते हो। ये नॉर्मल होटल नहीं है कि आपको जब मन करे तब चल जाए, जब मन करे तब निकल जाए। यहाँ पे इस होटल का कुछ रूल है, जैसे कि ओयो होटल का रूल है कि आप जिस भी डेट का होटल बुक करो उस डेट में दोपहर में 12 बजे के बाद ही आप चेक इन कर सकते हो, मतलब एंट्री कर सकते हो, उस होटल में जा सकते हो। और जैसे मान लीजिए कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कल की वीडियो होटल बुक करनी है, आपने होटल बुक कर लिया तो कल आप 12 बजे के बाद उस होटल में जा सकते हो और नेक्स्ट डे 11 बजे तक रह सकते हो। मतलब आपको जो पैसा काटता है वो काटता है टोटल आपका 23 घंटा का, ठीक है? तो बोल सकते हैं 24 घंटा एक दिन के आसपास। तो जिस दिन आप होटल बुक कर रहे हो उस दिन आपका 12 बजे के बाद से आपका टाइम स्टार्ट होता है और नेक्स्ट डे 11 बजे तक होता है। हालांकि चेक इन चेकआउट के ऊपर मैंने पूरी डिटेल्स बना रखी है कि अर्ली मॉर्निंग में जाना हो तो क्या करें, किस तरह की चेक इन चेकआउट टाइम, इसके ऊपर भी स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएंगी। हर एक टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे इसलिए मैंने सोचा कि एक पार्टिकुलर वीडियोज बना दूँ जिसमें आपको प्रॉपर पूरी नॉलेज मिल जाए, पूरी डिटेल्स थोड़ा थोड़ा करके मिल जाए। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि वहाँ पे क्या करना अलाउ है और क्या करना अलाउ नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आप होटल जाते हो तो हमेशा वहाँ पे बात रखिएगा ध्यान, जिस तरह से आपका खुद का घर होता है ना, इस तरह से खुद का घर समझिएगा, क्लीन रखिएगा। जिस तरह का आपको होटल रूम मिलेगा आपको क्लीन रूम मिलता है, तो जाने से पहले आप चेक कर ले कि रूम आप भी क्लीन करके जा रहे हो। ये नहीं कि आप खाने का कुछ सामान लेके गए, यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंक दिए, प्रॉपर डस्टबिन होता है उसमें फेंक दीजिए, बिस्तर वगैरह जैसे था वैसे वापस से उसको सही कर दीजिए। मतलब बेसिकली बोलने का मतलब जैसे अपना घर में अपने घर का केयर करते हो ना, वैसे उस होटल का केयर करिए। बढ़िया से रूम था, होटल छोड़ते वक्त भी रूम को प्रॉपर उसी तरह से करके छोड़ें, क्योंकि कभी कभार बहुत सारे गंदगी वगैरह फैला देते हो तो वो लोग जो है आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी कर लेते हैं, ठीक है? बहुत बार ऐसे केस भी होता है, एक बंदा का हाथ कटा हुआ था तो उसके हाथ से दो चार ड्रॉप जो है ब्लड का गिर गया था बेड पे, इसके वजह से उसे 2000 रुपया फाइन ले लिया था। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए जिस तरह से आपका घर होता है उसी तरह से पूरा शुद्ध जिससे होता है प्योर मतलब नेचुरल उस तरह से बना के रखें, मतलब कोई गंदगी मत फैलाएं। जिस तरह से आपको अगर अच्छी रूम मिल रही है, अच्छी रूम सबको अच्छा लगता है, उस तरह से जाते वक्त भी आप एक अच्छी रूम छोड़ के ही जाएं। उसके दोस्तों बात आती है कि हिडन कैमरा के बारे में। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा बहुत सारे होटल में हिडन कैमरा लगा रहता है, वहाँ से ब्लैकमेल किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ओयो में भी जो है हिडन कैमराज रहते हैं, हर होटल में नहीं होते, लेकिन मैंने बार बार कहा है ना कि अच्छी होटल वाले जब बुक करोगे तो अच्छी होटल वाले में ये सब जो झमेला है सब होता ही नहीं है। ये सब झमेला वही लोग फेस करते हैं जो 200-300-400 वाले होटल तो बुक कर लेते, जाके मस्ती तो कर आते हैं, जिंदगी भर फिर पछतावा करते रहते हैं। इसलिए हमेशा एक अच्छी रेटिंग वाली होटल बुक करें, वहाँ पे कोई भी कैमराज नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आप जब होटल जा रहे थे एक बार चेक कर ले कि आपके रूम में कैमरा है कि नहीं। कैसे चेक करें होटल में कैमरा जो आपके रूम के अंदर हिडन कैमरा लगा है कि नहीं, इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, तो आप लोग जाके वो प्ले स्टेशन में उसको चेक कर सकते हो। उसके दोस्तों बात आती है कि मैरिड और सिंगल, मतलब कि कोई लड़का है, ठीक है, वो 22 साल। वैसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आते हैं, तो मैं सारा कमेंट्स आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे फोन्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, जो कि मैं हालांकि सारा का स्क्रीनशॉट लेके फिर इतना अच्छे से एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं जस्ट बता दे रहा हूँ आपको कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई मैं 22 साल की हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड 30 साल की है और वो शादीशुदा है, तो क्या मैं उसको लेके जा सकता हूँ? तो बिल्कुल भाई, जेन्युइन बात है, आप शादीशुदा हो सिंगल हो कोई मैटर नहीं करता, बस आप दोनों की एज 18+ होनी है तो आप जा सकते हो। हालांकि अगर आप लोग 22-23 साल के हो और अगर आपको 30-32 साल की मिल जाती है लड़कियां शादीशुदा, तो भाई मेरे को भी कमेंट्स में जो टिप्स देना है किस तरह से पढ़ाते हो ऐसी लड़कियां, ठीक है, किस तरह से आप लोग पटा लेते हो, मेरे को भी टिप्स देना। और सबसे पहली बात कि अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, जाकर जरूर फॉलो कर लें। वहाँ पे जो भी आपको पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे से अगर पूछना हो ओयो के बारे में, कोई डाउट हो, तो सारा मैं आपको शेयर कर दूंगा और वहाँ पे बहुत सारी अपडेट वीडियो आती रहती, तो आप लोग उसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, मेरे को जरूर मेंशन करके बताइएगा कि उस तरह की लड़कियां आप कैसे पढ़ाते हो। खैर, उसके बाद आती है कि अगर कपल्स, दो कपल्स में से एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, तो उन लोगों को रूम मिलेंगे कि नहीं? जरूर मिलेगी। हालांकि बहुत सारे होटल वाले नौटंकी भी करते हैं, फंसने के लिए बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसे लोगों को नहीं देगा, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ ये सब सारी चीज़ें, जितनी भी गलत चीज़ें आपने सुन रखा है ना ओयो के बारे में, वो सारी थर्ड क्लास घटिया रेटिंग वाली होटल में होती है। अच्छी होटल ओयो की जो अच्छी रेटिंग वाली होटल है ना, उसमें कभी भी ये सब की कोई कुछ भी तरह की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। हाईकोर्ट ने डायरेक्ट आदेश दे रखा है कि लड़के और लड़कियां जो भी 18+ है वो ओयो होटल में जा सकते हैं, बिल्कुल लीगली रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और जितने भी आपने अफवाहें या जितने भी रियलिटी भी सुना है, जो चीज़ें हुई है ऐसे रेड वगैरह, पुलिस केस, गलत काम करते होटल में पाए जाना, ये सारी जो है घटिया रेटिंग वाली होटल में होती है। तो होटल हमेशा अच्छी रेटिंग वाली ही बुक करे, मेरा माने तो हमेशा जो भी होटल बुक करे देख ले कि उसका मतलब जो रेटिंग होता है वो 4 स्टार एबव होना चाहिए, 4 स्टार या 4 स्टार से ऊपर वाली होटल हो तो बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि अगर मैं होटल जाऊँ और होटल के अंदर अच्छे से एकदम ताड़ा वाला एकदम जोर से गाना बजाऊं और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छिया छिया करके डांस करूं, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं? तो भैया ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम होंगी ही होंगी, क्योंकि अगर आप अपने रूम में ही रहते हो, ठीक है, आपका अगर पर्सनल रूम नहीं है, आप भाड़ा का रूम में रहते हो और एक रूम में आप अच्छे से लाउड म्यूजिक में गाना बजाओगे, तो ऑब्वियस बात है ना, जो रेंट वाले और भी लोग हैं उनको प्रॉब्लम होंगी ही। तो उसी तरह से ओयो होटल तो आपका प्रॉपर्टी नहीं है, आप जा रहे हो स्टे करने के लिए,
तो आसपास घर भी होते हैं, लोग मोहल्ले भी रहते हैं, लोकल लोग भी रहते हैं वहाँ के, तो इतना लाउड म्यूजिक ना बजाओ कि उन लोगों को दिक्कत हो और वो लोग पुलिस को बुला लें। हालांकि एक नॉर्मल जैसे एक रूम में जिस तरह से बजाते हो गाना उस तरह से बजा के आप डांस वगैरह कर सकते हो, और ऐसे भी इन्जॉय करना है तो अपने में इन्जॉय करना, पर दुनिया को जना के क्या है, मतलब आप दुनिया को बता तो नहीं जा रहे कि मैं वहीं जा रहा हूँ वहाँ लड़की को लेकर, तो वहाँ पर जाके क्यों दुनिया को बता रहे हो कि मैं आके इतना फन कर रहा हूँ। जो भी करना लिमिट में करे, अच्छे से करे, कोई दिक्कत नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के जाते थे टिप्स दे दूँ कि जो इंसान पहली बार जा रहा है वो इंसान क्या करे होटल पे पहुँच, मतलब जो रिसेप्शनिस्ट होता है उसके पास पहुँच के क्या करे। तो इसके पहले मैंने वीडियो बना रखी है कि जब आप फर्स्ट टाइम ओयो विजिट करो तो आपको किस तरह से आपका एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरह से आप बात करो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, सारी के ऊपर आपको मेरा ओयो होटल का जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सब वीडियोज मिल जाएंगी। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है वो ये है कि जब भी आप होटल जाओ तो कभी डरो मत, क्योंकि अगर आप वहाँ पहुँच के आपके फेस पे 12 बज रहे होंगे ना तो वो लोग भी समझ जाएगा। ऑब्वियस बात है भाई, ओयो होटल में लड़के लड़कियाँ क्यों जाते हैं सबको पता है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम इतना पॉजिटिव होना, अपने आपको अंदर में इतना कॉन्फिडेंट रखना है कि आप कुछ गलत करने नहीं जा रहे हो। ठीक है, लीगल है, बिल्कुल लीगल है, चीज़ें सही करो गलत करो लीगल है। आपको ओयो होटल में अगर आपका जो एज दोनों का एज 18+ है तो आप दोनों को जाना लीगल है, आप लोग कुछ भी करो अंदर कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आपका जो पहले सीन एकदम शर्मा के एकदम फुल में मन में गब्बारे फूट रहे हैं तो ऐसा कुछ ना चाहिए, जाओ आराम से बात करो जैसे आप नॉर्मल इंसान से बात करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो वैसे ही जाओ। हालांकि वो जो रिसेप्शन पार्टी वाले होते हैं वो जो मतलब वहाँ पे बैठे रहते हैं वो लोग का नेचर बहुत अच्छा होता है, वो लोग भी आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो लोग नॉर्मल इंसान होते हैं, आप लोग अच्छे से बात करो, आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी मैंने आई होप कि मैंने जितनी भी डॉट्स थी सारी इस वीडियो में क्लियर कर रखा है। फिर भी कोई डाउट हो तो भाई कमेंट करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई आधे घंटे के अंदर ही कर देता हूँ। ठीक है, जितने भी लोग मेरे को कमेंट किया आप देख सकते हो, हर एक का रिप्लाई मैंने पर्सनली किया हुआ है। और फिर भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट जानना होता है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे आकर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी जो नॉलेज है वो मिल जाएंगी। तो बस दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों लोग जोर से शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर वो लोग भी फर्स्ट टाइम जा रहे हो कोई प्रॉब्लम ना हो बस। और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग जाओ तो पहली बार अच्छे से इंजॉय करके आओ और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो पूरी लाते हैं, थैंक यू सो मच। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब या बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली इसी तरह के वीडियो मिलते रहती है। सो बस तो आज मैं नहीं था, थैंक यू सो मच।